हमारी कार मॉडिफिकेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। ये जैसे कि आप डोर देख सकते हैं, इस पर डैम्पिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे हमने म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड किया है, जो कि हरमन का इन्फिनिटी कंपोनेंट लगवाया है। यहाँ पे हमारा 10 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो का काम शुरू हो गया है। जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे कपलर टू कपलर की सारी फिटिंग होती है, किसी तरह की वायर कटिंग नहीं होती है। यहाँ GPS लगाने के लिए भैया यहाँ से पिलर का कवर उतार रहे हैं। GPS चाहे आप पिलर में लगवा सकते हैं या फिर आप डैशबोर्ड पे भी लगवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मुझे पिलर में चाहिए था, मुझे हाइट रखना है, इसलिए मैं वहाँ पे लगवा रहा हूँ। यह है हमारा 10 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो, देख सकते हैं आप लोग। इसमें माइक इनबिल्ट आता है। ये रहा हमारा GPS जो यहाँ पे लग चुका है, और ये अंदर अंदर से वायर है पूरी, इसको भैया कवर कर देंगे। ये हमारा कपलर टू कपलर फिटिंग, जिसमें कोई कटिंग नहीं हुई है, सेम कपलर में ज्वाइंट हो गया है। ये स्टूडियो हमें कितने का पड़ा, हमारे साथ बने रहिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। स्टूडियो के अंदर भी कपलर टू कपलर फिटिंग है सारी, जितने भी वायर सारे कपलर टू कपलर हैं, इजी कनेक्ट हो जाते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं आता। फाइनली स्टूडियो लग चुका है, एक बार पूरी इसकी सेटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं डिटेल में। ऐसा कुछ दिखता है इसका होम पेज, और ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब वगैरह, मैप वगैरह है, प्ले स्टोर है। स्टीरियो तो लग चुका है, अब बाकी काम रह गए हैं। ये हमारा डैम्पिंग आधा अधूरा पड़ा हुआ है अभी, और कंपोनेंट भी लग रहे हैं। कंपोनेंट हरमन का हम यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनिटी, जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ये वायर वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ टाइम में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ पूरा कम्प्लीट होने के बाद। जैसा कि देख सकते हैं, पूरी तरह से फिटिंग प्रॉपर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट फिटिंग है, किसी तरह से कोई वो गैप नहीं है। ऐसा लगेगा नहीं कि ये अलग से लगा हुआ है। हमारा चेक कर लेते हैं कैसा काम करता है। मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं, टच वगैरह प्रॉपर एकदम स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग ऑन कर लेते हैं। सेटिंग में आपको साउंड सेटिंग मिलेगी। फर्स्ट साउंड सेटिंग में आपको यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो किस हिसाब से आपको बेस रखना है, और ये म्यूजिक का है, आप म्यूजिक किस साइड ज़्यादा रखना चाहते हो ये अपने हिसाब से कर सकते हो। सेंटर में रहेगा सबके, चारों तरफ चारों स्पीकर में बराबर आवाज़ जाएगी। और इसके बारे में देख लो आप, 2GB 16GB इंटरनल मेमोरी है, और एंड्रॉयड 8.1 है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है नहीं। और ये भी बहुत स्मूथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का हैंग नहीं अभी तक तो। और रीसेट करना है तो आप इसे रीसेट कर सकते हो। कार सेटिंग है ये, आप कार सेटिंग होगी आपकी, एंड्रॉयड सेटिंग होगी। एंड्रॉयड सेटिंग में ऐसे ही फ़ोन में आपका आता है, वही सेटिंग है नॉर्मल एकदम बेसिक सा, ये आपके फ़ोन की तरह है एकदम बिल्कुल। GPS सेट डिटेक्शन, और ये वॉल्यूम सेटिंग है आपको, कॉल की सेटिंग, कॉल की आवाज़ कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है, ये डिपेंड करता है मीडिया की। आप यहाँ आपको मिल जाएगा ब्राइटनेस, डे में आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए और नाइट में कितनी ब्राइटनेस चाहिए वो कर सकते हैं। नेविगेशन मिल जाएगा आपको, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, लोगो मिल जाएगा, और अदर सेटिंग मिल जाएगी। एक बार मैं आपको डिस्प्ले क्वालिटी दिखा देता हूँ कि कैसी आ रही है डिस्प्ले क्वालिटी।
डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर भी। बस एचडी क्वालिटी इस वीडियो सपोर्ट करता है ये। फोन में इतना बड़ा जस्टिफाई नहीं हो सकता। मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी भी सुना देता हूँ कैसी है। पहले इसको करो, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत बेस्ट है। पता नहीं फ़ोन में कैसी आ रही होगी ऑडियो, बट आप अगर ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो शायद आपको पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। इन्फिनिटी हरमन का हमने कंपोनेंट डलवाया है दोनों फ्रंट डोर में, जो कि इसका रिस्पांस बहुत बेटर है। बहुत अच्छी आवाज़ आती है, स्मूथ क्लियर। और इसके साथ दो ट्विटर भी मिलते हैं हमें, एक यहाँ पे है और दूसरा वहाँ पे ऊपर। दो ट्विटर मिलते हैं जिससे इसकी क्वालिटी और भी बेटर हो जाती है। जो म्यूज़िक लवर हैं उनको ज़रूर पता होगा ये चीज़। इसके अलावा हमने और भी काम करवाए हैं, जो कि ये एक की लाइट है, कैबिन लाइट होती है जो पैरों के पास होती है। दूसरी ये है, इसको वेलकम प्लेट बोलते हैं, जो कि चारों विंडो पे है। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद इसका जो लुक आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एक चीज़ मैं आप लोगों से और बोलना चाहूँगा, अगर आप अपनी कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवा रहे हो तो चारों डोर पे आपको डैम्पिंग ज़रूर करवानी चाहिए। बिकॉज डैम्पिंग का ये बेनिफिट है कि आपके बाहर का जो नॉइस है वो बिल्कुल भी कैबिन के अंदर नहीं आएगा, और कैबिन के अंदर की जो म्यूजिक आपकी लाउड होगी वो बाहर नहीं जाएगी। ये था हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जो कि 4,500 से स्टार्ट हो जाते हैं। जो मैंने लगवाया वो 7,500 का है। आई होप आपको मॉडिफिकेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी मॉडिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।